क्या हुआ विंता, कहाँ खोई हुई है? ना तो तेरे हाथ चल रहे हैं, ना मुख से एक शब्द निकल रहा है। यदि सच बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी मुझे अतिथि को अपने घर में रखने से मना कर दे, पर यदि झूठ बोला तो मुझे अवश्य ही असत्य भाषण का दोष लगेगा। क्या करूं मैं? प्रभु, आप किस सोच में खो गए हैं? मैं ये सोच रहा हूं शेष कि देवी विंता जिस दुविधा में, वह उससे बाहर कैसे निकलेंगे? तुझे क्या लगता है मैं तुझे पहचानती नहीं हूं? तू बार बार बहाने बनाएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अंतिम बार तुझसे पूछ रही हूं, क्या हुआ है? सत्य बता। सत्य यह है महारानी कि मैं कथा के बारे में सोच रही थी। एक प्रवचन में मैंने सुना था। क्या कि सुना था? बहुत समय पहले की बात है, एक कसाई एक निरीह गाय के प्राण के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अपनी रक्षा के लिए गाय ऋषि के पास जा पहुंची। कसाई भी उसका पीछा करते करते उन ऋषि तक पहुंच गया था। उसने ऋषि से पूछा कि गाय कहाँ है। ऋषि ने एक क्षण विचार किया और फिर विपरीत दिशा की ओर संकेत कर दिया। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या नहीं, दुविधा है दीदी। ऋषि मुनि तो सदैव सत्य बोलते हैं ना, पर उस दिन उस गाय के प्राण की रक्षा के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा था। उन्हें तो पाप लग गया होगा ना। कभी कभी तो इतने ज्ञान की बातें करती है कि ऐसा लगता है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी तू मन से सन्यासी हो गई है, किंतु कभी कभी ऐसी मूर्खता वाली बात कर देती है कि लगता है कि तूने शिक्षा ग्रहण भी की है, मेरी अज्ञानी है। ऋषि के पास दो विकल्प थे, या तो वो सत्य बोलते और उन्हें गौ हत्या का पाप लग जाता, या फिर झूठ बोलकर असत्य भाषण का दोष अपने ऊपर ले लेते। किंतु वो अच्छी तरह जानते थे कि गौ हत्या का पाप असत्य भाषण के दोष से कहीं अधिक बड़ा है, इसीलिए उन्होंने गौ की रक्षा के लिए झूठ बोल दिया। और वैसे भी किसी धार्मिक कार्य के लिए यदि असत्य भी बोलना पड़े तो उसमें किसी की हानि नहीं होती है। धर्म की रक्षा के लिए कहे गए झूठ से असत्य और धर्म की अवहेलना नहीं होती है, समझी? सत्य कहा दीदी, इसलिए आज मैं भी आपसे सत्य छुपाने के लिए विवश हूं, क्योंकि असत्य भाषण का दोष अतिथि के तिरस्कार से बड़ा नहीं होता। अवश्य मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, पर वो जो भी है मैं पता करके रहूंगी। देवराज, ये असुर तो बार बार जीवित हो रहे हैं।
हे समस्त सृष्टि के संचालक, हे परमपिता परमेश्वर, सहायता कीजिए। यदि देवता बलि से भेंट नहीं कर पाए तो हम प्रभु का संदेश उन तक कैसे पहुंचाएंगे, और यदि संदेश नहीं पहुंचा तो समुद्र मंथन में असुर भाग कैसे लेंगे। प्रभु, आपकी योजना थी कि ये झड़प देवताओं और असुर को संधि के लिए प्रेरित करेगी, किंतु जिस प्रकार असुर देवताओं पर आक्रमण कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि संधि की प्रेरणा पर प्रतिशोध की भावना भारी पड़ जाए। प्रभु, अब आपको ही कुछ करना होगा, रोकना होगा इस युद्ध को। तुम सही कह रहे हो शेष, स्थिति अब तीव्र गति से बिगड़ रही है, पर मैं चाहते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। देवों और असुरों में किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता, पर कोई है जो इस कठिन समय में हमारी सहायता कर सकता है, और उनका कहना असुर भी नहीं टालेंगे। वो कौन है प्रभु? नारायण 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 नारद नारद नारद। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम मुनिवर। नारद, आपके आंखों में आंसू प्रभु। ईश्वर तो सबके दुख हर लेते हैं, पर यदि ईश्वर ही दुखी हो तो क्या उनका कोई दुख हरने वाला नहीं है? कैसे ढूंढूं मैं माता लक्ष्मी को? यदि समय रहते मैं उन तक नहीं पहुंच पाया तो प्रभु स्वस्थ कैसे होंगे, और सब कुछ पहले जैसा कैसे हो पाएगा? आप तो जानते हैं नारद, देवी लक्ष्मी के बिना मैं अधूरा हूं, पर उन्हें वापस लाने में, संसार को फिर से श्रीयुक्त करने में आप मेरी सहायता कर सकते हैं शीर सागर के मंथन के द्वारा, पर उसके लिए आवश्यक है देवों असुरों में संधि होना। और कुछ मत कहिए प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है, मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। ये कंधरा तो अंतहीन है, अब कैसे ढूंढूं माता को? जो स्वयं भटक रहा हो वो प्रभु को कैसे खोज सकता है? प्रभु तो कण कण में है, सर्व विद्यमान है। पर यदि स्थिर अवस्था में बैठकर ध्यान लगाया जाए, सब कुछ भूलकर तन मन और आत्मा से प्रार्थना की जाए, तो स्थिरता में प्रभु स्वयं को अवश्य प्रकट करते हैं। तो मुझे स्थिर होकर पूरे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी, ताकि वह स्वयं मुझे अपने दर्शन दे दे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
विंता कहाँ है? विंता तो यहाँ नहीं है, पर यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ है? न जाने इस बार क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तूने मुझे नहीं छोड़ा। स्त्री को देखा मुझे यह जुट के चलेगी दुष्टा रहेगी। जो तुम मुझे छोट कर नहीं जाएगा ना, श्वान का इस तरह भोगना हो क्या रहा है मेरे महल में? और ये विंता कहाँ है? चलिए बाबा भीतर चलिए, आइए। इतनी देर से आना था तो आई क्यों? तुम्हारी प्रतीक्षा में एक जन कैसे बिताया मैंने जानती है? इससे अच्छा तो मुझे मरने के लिए यही छोड़ देती। शांत हो जाइए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझे देर हो गई, पर अब तो भीतर चलिए। मुख पर जो शब्द हो आवश्यक नहीं कि मन में भी वही हो। शब्दों से अधिक कर्म में शक्ति होती है। क्षमा चाहिए ना, दुकान पकड़ खड़ी हो, फिर बैठ फिर खड़ी हो, उठक बैठक कर और क्षमा मांग, तब करूंगा क्षमा। चल कर उठक बैठक। कुछ नहीं होगा बाबा। ये दुर्गंध कैसी, कितनी असहाय दुर्गंध है ये, मुझसे सहन नहीं हो रही अब। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि विंता माँ बचकर, यदि कद्रू माँ देख लेती तो विंता माँ को बहुत बड़ा दंड देती। देवी विंता बच गई या और भी बड़ी समस्या में उलझ गई, ये तो समय ही बताएगा शेष। आप सही कह रहे हैं प्रभु, ये वृद्ध बाबा जो भी है इन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं होगा।
जिस प्रकार विंता माँ के सहारे वो यहाँ तक आए, लगता नहीं इतनी आसानी से जाएंगे। तन से इतनी भीषण दुर्गंध आ रही, और अकेले भी तो नहीं आए, श्वान को साथ ले आए हैं। इनके अस्तित्व को रहस्य रख पाना विंता माँ के लिए कठिन होगा। इन दोनों प्राणियों को महल के भीतर लाने के लिए वो पहले ही कद्रु माँ से सत्य छुपा चुकी हैं। पता नहीं अब और क्या क्या करना होगा उन्हें। आइए बाबा, संभल कर। वहां वन में मैं ही रंग था और मैं ही राजा था, ये तुम मुझे कहां ले आइए? क्षमा कीजिएगा बाबा, वहां वन में आपको अकेले छोड़ना उचित नहीं लगा मुझे। मैंने सोचा यहाँ आपकी सेवा और भी अच्छी तरह कर पाऊंगी। कर लेना सेवा, पर मैं बैठूंगा कहां? आप आइए यहाँ विराजी, आइए। मच्छी मरी गई है तेरी के आसन पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? क्षमा कीजिए बाबा, आप वहां विराजिए, मैं दूसरा आसन बिछा देती हूँ। हाँ आइए। क्षमा कीजिएगा बाबा, कुछ और तो नहीं है? झूठी असत्य वचन सुना रही है मुझे। वो क्या है? माँ